मणिपुर जाना चाहिए दीदी के साथ। हम दीदी के पास है, दीदी के साथ सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये इतना घिनौना काम किया है, इसलिए वो बीजेपी सरकार वाला जो मणिपुर है इन लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। 26 में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, इसमें कई शक नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस वक्त स्पीच चल रहा है शहीद दिवस के धर्मतल्ला मैदान में, और यहाँ बारिश भी तेज हो रही है, लेकिन महिलाएं और जो ममता बनर्जी के समर्थक हैं वो बैठे हुए हैं और खड़े होकर हैं, इसलिए क्योंकि वो ममता बनर्जी को सुनना चाहते हैं। और यहाँ पर ये महिलाओं से भी हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि महिलाएं क्या कहती हैं, ये जो अलायंस बना इसको लेकर भी कुछ सवाल हम करेंगे, और मणिपुर में जो मामला पेश आया है दो लड़कियों के साथ जो मामला पेश आया उसको लेकर भी हम सवाल करेंगे महिलाओं से। इसमें कोई शक नहीं है, 26 में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप तो आज देख रहा है ना, इसमें सारा बंगाल के लोग यहाँ पे है, जो अगला दिन आ रहा है ना, सारा भारतवर्ष और इंडिया का लोग ममता बनर्जी को पूजा करेगा, क्योंकि जो दे रहा है ममता बनर्जी ने, जो दे रहा है ना बंगाल की महिला को, तो सारा इंडिया का महिला को वो उस उन लोगों को मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम सोचते हैं, बंगाल की महिलाओं सोचते हैं कि जो इंडिया का महिला है सबको सब कुछ मिले जो बंगाल में मिल रहा है। तो हाँ देख लिया दीदी ने कहा कि बहुत अफसोस है, अगर हमको परमिशन मिले तो हम मणिपुर जाएंगे। हाँ मणिपुर जाना चाहिए दीदी के साथ, हम दीदी के पास है, दीदी के साथ सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये इतना घिनौना काम किया है, इसलिए वो बीजेपी सरकार वाला जो मणिपुर है इन लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। सारा इंडिया का अगर इतना नेताओं है क्या, मंत्रियों है, सबको इसका प्रतिवाद करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। ममता बनर्जी जरूर बनेगा, 26 से ही बनेगा। दीदी क्यों क्या करते हैं आप देखते नहीं, बंगाल में क्या करते हैं, मेरा को लक्की भंडार दिया, मेरा को एक प्रकल्प वो प्रकल्प सब देता है, 110 प्रकल्प दिया, इसलिए वही बनेगा, वही बनेगा। बीजेपी कहती है कि देश का प्रधानमंत्री मोदी है और वही रहेंगे। नहीं कभी नहीं, वो आपको उसका सपना है, उसका ख्वाब है, नहीं बनेगा। महिलाओं से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे आज के इस शहीद दिवस के बारे में, मणिपुर में जो मामला पेश आया उसके बारे में, और जो इंडिया अलायंस बनाया गया है जिसमें तमाम अपोजिशन पार्टी 26 अपोजिशन पार्टीज को रखा गया है, उसके ताल्लुक से भी हम पूछने की कोशिश करेंगे लोगों से। महेशतला পৌরসভা থেকে এসেছি, আর মুড়ি মাখা খাচ্ছি, অনেকক্ষণ এসেছি তো খিদে পেয়ে গেছে। অবিলিষ্টি দিদি 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 बताओ, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे 2024 में। ना 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 दीदी हबे। दीदी क्या नो माने दीदी नरेंद्र मोदी जा कोट्चे सारा भारतवर्ष तो देखछे ना, अर्थनीति अवस्था यही हाल। आज के हमरा आज थे के 10 বছর আগে যখন 9 বছর আগে যখন আমাদের অন্য প্রধানমন্ত্রী ছিল তখন আমরা পকেটে করে টাকা নিয়ে যেতাম, ব্যাগে করে সবজি ভরে আনতাম, কিন্তু এখন আমরা পকেটে করে সবজি আনছি, ব্যাগে করে টাকা নিয়ে যাচ্ছি, অর্থনীতির হাল এত খারাপ করেছে যে আর একমাত্র দিদিই পারে। আর গ্যাসের দাম বাড়ছে, সব কিছু জিনিসের দাম বাড়াচ্ছে, কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ সেইভাবে কোনো যারা উনি বলেছিলেন বছরে 2 কোটি করে চাকরি দেব, কোনো কথা তো রাখেনি, সবার অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ করে টাকা দেব, সেই সব কথা তো কিছু রাখেইনি, অথচ সব জিনিসের দ্রব্যমূল্য হার প্রচণ্ড বাড়িয়ে দিচ্ছে, তার যার জন্য আমরা চাইছি সরকার বদল করার জন্য। আর দিদিকে বলছি, একমাত্র ভারতবর্ষের একটাই মুখ আছে যে সব থেকে ভালো পারে, সে হচ্ছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। क्या दीदी बंगाल से दीदी प्रधानमंत्री बनेंगी तो क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वो पहला काम दीदी करेंगी?
আমাদের এক্সপেকশন দিদি যেমন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বাংলাকে মানে উন্নত করেছে, আমরা চাই যে দেখছেন তো মণিপুরে আজকে আমাদের মেয়েদের কিরকম মানে নারী নির্যাতন হতে হচ্ছে। আমরা চাই একজন মহিলা প্রধানমন্ত্রী বুঝবে আমাদের নারীদের ব্যাপার, যে যে মানে যে অত্যাচার আমরা নারীরা হচ্ছি তাতে যাতে না হতে পারে কেউ। আমরা সবাই কারোর মা, কারোর মেয়ে, কারোর বোন। তো আমরা চাই যে একজন মেয়ে যদি ভারতবর্ষের মুখ্যমন্ত্রী হয় দেশ তো ভালোভাবে চলবেই, কিন্তু মেয়েরা প্রত্যেকটা মেয়ের আরও যা আমাদের পশ্চিমবাংলার মেয়েরা প্রচণ্ড উন্নত শিক্ষা দীক্ষা সব কিছুতে। তো চাই দেশের আরও অন্য অন্য প্রান্তের মেয়েরাও যাতে আমাদের মতো পশ্চিমবাংলার মেয়েদের মতো উন্নত হয়।